दिल्ली से सटे टीकरी बॉर्डर के साथ सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन। इन सब के बीच आप विधायक राघव चड्डा शनिवार दोपहर बुराड़ी के निरंकारी मैदान में पहुंचे। राघव चड्डा ने कहा कि हम यहां पर किसानों की मेजबानी कर रहे हैं, यहां पर किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किसान दिल्ली में जिस जगह भी बैठना चाहते हैं उनका वहीं पर दिल्ली सरकार स्वागत करेगी। केंद्र सरकार किसानों की मांगों को अहम की लड़ाई न बनाए। किस तरीके हमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश है कि पूरी व्यवस्था यहाँ बनानी है, जहाँ जहाँ किसान जाकर धरना करना चाहते हैं, एजिटेट करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जो किसान यहाँ आना चाहते हैं यहाँ आए, इसे मोदी सरकार को अपनी अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। वो जहाँ भी जाना चाहें उन्हें वहाँ जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, और वो जहाँ भी जाएंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनके मेज़बान हैं, पूरी मेज़बानी करेंगे। पानी हो, रहने का, खान पान की सारी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करेगी। हम पूरी तरीके से तत्पर हैं और किसानों का दिल्ली में स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी इस मसले को लेकर राजनीति कर रही है। इस सवाल पर राघव चड्डा ने कहा कि हम केवल किसानों की मदद कर रहे हैं, साथ ही ये भी बताया कि आपकी यहाँ पूरी टीम मौजूद है। राघव चड्डा ने बताया कि हमारे विधायक संजीव झा भी यहीं पर मौजूद हैं, कोई खाने की व्यवस्था देख रहा है तो कोई रहने का इंतजाम कर रहा है। काफी किसान ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो राजनीति कर रही है अभी यहाँ मैदान में आके। देखिए, हम तो मेजबानी कर रहे हैं, किसानों की मूवमेंट है, ये किसान ही इसको चला रहे हैं। हम तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे किसान भाई बहन जो आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनको पानी की, उनको रहने की, खाने पीने की, शौचालय की पूरी सुविधा उपलब्ध। हमारी पूरी टीम यहाँ पर, हमारे विधायक संजीव झा जी यहाँ मौजूद हैं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हमारे अन्य विधायक साथी यहाँ, कोई खाने की व्यवस्था देख रहा है, कोई शौचालय की, कोई बिजली की, हम लोग उनके लिए सेवा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और जहाँ पर भी किसान जाना चाहे उन्हें जाने देना चाहिए। बहरहाल राजनीति तो इस पर हो रही है, लेकिन इन सब के बीच किसानों की आवाज को कितना सुना जाएगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ की निरंकारी मैदान में पूरी तैयारी, स्थिति को संभालने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस।